अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 15। और आज के इस लेसन में हमने क्या देखना है, किस किस चीज़ पे काम करते हैं, उसके लिए मैं आउटलाइन आपको दिखाता हूँ। आज के इस लेसन में हम सर्कल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर्कल कमांड क्या होती है और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। कमांड्स से हम काफ़ी सारी टाइप्स के सर्कल्स भी हम ड्रॉ करेंगे जो कि टूल बार में और आपकी रिबन्स में मौजूद होते हैं। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। ऑटोकैड को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पे सर्कल है और सर्कल में काफ़ी सारी टाइप्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ड्रॉ बार में जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास सर्कल होगा और उसमें भी काफ़ी सारी टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो सर्कल का मैंने शुरू में आपको बताया था, इसकी शॉर्ट कमांड सी है। और आज हम पहले इसको सर्कल के डायमीटर और रेडियस के बारे में देखते हैं कि डायमीटर और रेडियस में क्या फ़र्क होता है। इसके लिए मैं एल एंटर करता हूँ। एल एंटर किया मैंने, F8 प्रेस करता हूँ, एक 10 फुट की लाइन एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डायमेंशन दे के देता हूँ कि ये वाकई में 10 फुट की है कि नहीं। यहाँ से मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ। ओके, 10 फुट की लाइन है, सही है। अब सर्कल सी एंटर करता हूँ मैं। सबसे पहले सर्कल को मैं देता हूँ यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 10 रेडियस देता हूँ, 10 फिट। तो अब देखें इसमें इस तरह हुआ कि आपस से आपने जब रेडियस दिया तो रेडियस क्या हुआ, हमारे पास 10 जो रेडियस था तो वो मेन आपका 20 बन गया। यहाँ पे आप अगर रेडियस को इसको चेक करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। मीन हमेशा रेडियस जो होता है डायमीटर के डबल होता है। अब इसी तरह अगर मैं रेडियस दोबारा देता हूँ, आर एंटर करता हूँ, सॉरी सी एंटर करता हूँ, आर भी एंटर सॉरी सी एंटर करता हूँ, सेंटर पॉइंट में भी जाता हूँ, रेडियस इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फुट। तो देखिएगा बिल्कुल एक्यूरेट आपके लाइन के साथ ही अटैच करेगा, देख सकते हैं। तो ये जी रेडियस, रेडियस हमेशा जब आप दोगे तो लाइन के डबल हो जाते हैं रेडियस। अब मैं इसको डायमीटर अगर देता हूँ तो डायमीटर देखिएगा एक्यूरेट, आर एंटर करता हूँ सॉरी सी एंटर करता हूँ, डायमीटर के लिए डी एंटर करूँगा। आप नीचे देखें अपनी जो है तो कमांड एरिया में देखें तो डायमीटर के लिए डी प्रेस करेंगे, डी एंटर। और डायमीटर मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 फुट देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें डायमीटर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आ रहा है। तो हमेशा जो सर्कल का रेडियस होता है वो डायमीटर के डबल होता है, जबकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के सिंगल होता है। हाफ डायमीटर होगा और फुल आपका रेडियस होता है। एक सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर होता है नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, सी एंटर करता हूँ और इसको मैं रेडियस देता हूँ 10। अब यहाँ पे आप देखें तो इसका जो एल एंटर करता हूँ, आपका जो सर्कल है सर्कल का जो मैंने इसको 10 यहाँ पे मैंने इसको 10 दिया है जी रेडियस। अब मैं डायमीटर देखता हूँ तो कितना होगा, तो डायमीटर के लिए मैं यहाँ से इसका डायमीटर चेक करूँगा। उसके लिए मैं इन दोनों को मैंने अलग करना है, अलग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ट्रिम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देख सकते हैं। अब मैं इसका डायमीटर देखता हूँ तो मैंने देखता हूँ डायमीटर से क्या है, तो क्लिक करें यहाँ पे और आर्क लेंथ देखें और आर्क डायमीटर, आप फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ इसका सॉरी डायमीटर, देखें 10 नंबर पर इसका डायमीटर आ गया, आप देख सकते हैं। अब रेडियस इसका मैं चेक करता हूँ तो रेडियस कितना आएगा, देखिए 5 रेडियस आ गया और 10 इसका डायमीटर आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका हमेशा जो रेडियस होता है उसका हाफ होता है डायमीटर, सॉरी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हमेशा हाफ होता है। तो ये आपने देखा और आपको समझ भी आ गया होगी इसका फंक्शन क्या है।
अब हम सर्कल पे कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए मैं लाइन लेता हूँ, 10 फुट की एक में लाइन ली मैंने, डायमेंशन में देखता हूँ लाइन 10 10 फुट की है कि नहीं। तो ओके, 10 फुट की लाइन है। सर्कल और रेडियस का तो आपको पता चल गया होगा, आर्क में सेंटर रेडियस वही चीज़ है और सेंटर डायमीटर वही चीज़ है। क्लिक करें, आप क्लिक करें, 10 फुट एंटर करता हूँ, देखें सेंटर डायमीटर आ गया। और सेंटर रेडियस आप करते हैं तो सेंटर रेडियस भी, सॉरी सेंटर रेडियस आप पहले सेंटर डायमीटर करते हैं तो सेंटर डायमीटर 10 फुट करें तो सेंटर डायमीटर आ गया, जो कि इसके बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट है सर्कल में 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट का फंक्शन क्या होता है? 2 पॉइंट होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप देखें 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँ, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूँ, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल मैं सी एंटर करता हूँ, सर्कल एक सर्कल में यहाँ पे इतना कुछ, एक सर्कल यहाँ पे देता हूँ, एक सर्कल में यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे जाके तो मैं 2 पॉइंट करता हूँ, 2 पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने, एक पॉइंट में यहाँ पे दे देता हूँ, तो मेरे पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट सर्कल जो होता है वो क्या होता है? सी एंटर करता हूँ एक और यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे भी देता हूँ, और अब मैं सर्कल में जाता हूँ, सॉरी सर्कल में जाता हूँ और 3 पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया सर्कल को राउंड होने में। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, सर्कल 3 पॉइंट, सर्कल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब जो तीनों पॉइंट के मैंने सर्कल दिए, तो देखें इसमें कुछ ना कुछ फर्क रह गया, यहाँ पे देखें सर्कल इससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये सही काम नहीं करेगा यहाँ पे, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सिंपल सर्कल ड्रॉ करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे हम अगर सिंपल सर्कल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ और एक सिंपल सर्कल सी एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे दिया, सेकंड पॉइंट पे देता हूँ, तो देखें इसके बाहर निकल रहा है, तो ये सिंपल सर्कल है, जबकि 3 पॉइंट सर्कल जो होता है इन तीनों के इसके सेंटर में लाएगा। तो उसके लिए एक तो हमारे पास ये तरीका है, 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट में कुछ ना कुछ एरिया रह जाता है, सही सर्कल को ड्रॉ नहीं करता। तो उसके लिए आप 10 10 10 ये वाला सर्कल लें, इसको देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके ऑब्जेक्ट में, आपकी शेप में एक्यूरेट ड्रॉ होगा। अब इसको ज़रा देखें, देखें इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसके साथ ही है, देख सकते हैं, देखें। तो ये जी हमारे पास 10 10 सर्कल है। नेक्स्ट जो हमारे पास सर्कल है वो क्या है कि मैं एक लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, 10 फुट की लाइन ली मैंने, सी एंटर करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, सेंटर से ओके। अब नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस आपने देना होगा, रेडियस मैंने, क्योंकि रेडियस से पता होना चाहिए मैंने 10 फुट यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 10 रेडियस, 10 पे क्लिक किया, सेकंड 10 पे क्लिक किया, और रेडियस देता हूँ इसको 10 फुट का हाफ देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 10 फुट का हाफ या 10 से कम आपने देना है, तो मैं देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 8 फिट एंटर करता हूँ, देखता हूँ मैं इसने काम किया कि नहीं, इसने काम नहीं किया, दोबारा देखते हैं, ट्वेल्व करता हूँ, देखता हूँ जरा 12 में ये काम करेगा कि नहीं।
मैं देखिए आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, असल में इस तरह होता है कि इसमें जो आप रेडियस दोगे वो इसका डबल दोगे, जितना आपने दिया हुआ होगा उससे डबल दोगे, जितनी आपने लेंथ दी होगी उससे डबल दोगे। तो उसके लिए मैं इनको मूव करता हूँ, एम एंटर, इसको यहाँ पे मूव कर दिया मैंने। सॉरी, एम एंटर, डिलीट करता हूँ, एम इंटर, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सी पी एंटर, कॉपी के लिए होते हैं, सी पी शॉर्ट कमांड होती है कॉपी के लिए। अब मैं इसको रेडियस देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आप सर्कल में क्लिक करता हूँ और टेन टेन रेडियस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया टेन टेंजेंट, ये और दूसरा यहाँ पे क्लिक किया और 10 फुट की मैंने लाइन दी थी, तो मैं 20 का मैं इसको रेडियस दूंगा, 20 फिट का रेडियस दूंगा, एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस इसने 20 का यहाँ से इसने रेडियस एक्सेप्ट कर लिया, देख सकते हैं। मेन आप ये जो सर्कल है इससे टच हो रहा है और यहाँ से इसने रेडियस एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था टेन टेन रेडियस। जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो उसमें आपको सही समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये था जी आपका सर्कल और सर्कल में यूज़ होने वाले डिफरेंट रेडियस, टेन टेन और उसके अलावा और भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। सी एंटर करता हूँ तो उसके मैं नीचे भी आप देखें ना, अगर जब मैं सी एंटर करता हूँ तो आप नीचे देखें तो नीचे भी 3.2 पॉइंट 10 10 रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप 3 करेंगे तो 3 पॉइंट आ जाएगा, 2 करेंगे 2 पॉइंट, और 10 10 रेडियस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि हमने अभी मेन्यू में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।